कल मैंने आपको इस डिजाइनर टॉप की कटिंग बताई थी फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को इसकी स्टिचिंग और इस पर डिजाइन कैसे करना है ये बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके कंधे ज्वाइंट करेंगे। ये हम ब्लाउज के दोनों पार्ट को इस तरह से खोल लेंगे और इसके बाद हम इसके दोनों साइड के कंधे ज्वाइंट करेंगे। जब हम कंधे ज्वाइंट करेंगे तो हम ये जो आर्म होल है इसके साइड हल्का सा डाउन कर देंगे। ये हमने हल्की सी आर्म होल की तरफ इसे डाउन करके सिलाई लगाई है। अब हम इसे पक्का कर लेंगे। एक तरफ के कंधे हमने ज्वाइंट कर लिए हैं, अब हम यहां से धागे को कट कर देंगे और दूसरे साइड के कंधे को भी इसी तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। तो इस साइड भी हमने कंधे को ज्वाइंट कर लिया है, अब हम धागे को कट कर देंगे। इसके बाद यहां से हम थोड़ा थोड़ा इसमें कट लगा देंगे। दोनों साइड के कंधे को थोड़ा थोड़ा हम कट कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमने दोनों साइड के कंधे ज्वाइंट कर लिए हैं, अब हम इसे पलट कर सीधा कर लेंगे और इसमें एक और सीधी सिलाई चला लेंगे। हमें दोनों साइड के कंधों में सीधी सिलाई चला लेनी है। सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है, अब हम यहां से धागे को कट कर देंगे और ये जो बीच में हमारा धागा ज्वाइंट आया था उसे भी हम कट कर देंगे। अब हम उरेप कट की हुई पट्टी लेंगे और इसे ये जो हमारा टॉप पार्ट है ये हमारा सीधा रहेगा और ये जो हमने उरेप पट्टी कट की थी ये उल्टी साइड में रहेगी। और इस तरह से रखते हुए हम इसे पूरे गले में अटैच करेंगे। अब हम यहां से धागे को कट कर देंगे। इसके बाद हम इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके हटा देंगे। ये देखिए हमने सिलाई पूरे में नहीं लगाई है, इतना पार्ट हमने इसे छोड़ दिया है क्योंकि इन दोनों को इस तरह से जॉइंट करते हुए हमें इसमें सिलाई लगानी है। अब हमने यहां पर जो खुला छोड़ा था इसे भी हम सिलकर पूरा कर लेंगे। अब हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे। हमने पूरे में कट लगा लिया है, अब हम इसे एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक बार इस तरह से फोल्ड करके पूरे में सिलाई चला लेंगे। ये देखिए पूरे गले में हमने इसे लगा लिया है और इसकी फिनिशिंग कितना बढ़िया तरीके से आई है। अब हम दोनों साइड के बाजू को ज्वाइंट कर लेंगे, इस साइड भी और इस साइड भी। ये हमारा सीधा साइड है, उसे इस तरह से पलटेंगे और बीच में हमने जो कट लगाया था उसे इस तरह से रखकर और पूरे में एक सीधी सिलाई चला लेंगे।
हमने इसमें दोनों साइड के बाजू ज्वाइंट कर लिए हैं। अब हमने इसमें जो डार्ट का निशान लगाया था उसमें एक सीधी सिलाई चला लेंगे। ये जो हम डार्ट का निशान लगाएंगे, सॉरी डार्ट की सिलाई लगाएंगे, वो हम ऊपर से 10 इंच का पर मार्क करते हुए बस यहीं तक लगाएंगे। 10 इंच तक ही हम डार्ट का सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे एंड देन इसमें एक सीधी सिलाई चला लेंगे। एक साइड हमने डार्ट लगा लिया है, अब हम इस साइड भी सेम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो डार्ट की सिलाई हमारी लग के कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें फिटिंग मार्क करेंगे और फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमने इसमें फिटिंग की सिलाई लगा ली है, हमने दोनों साइड इसमें फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हमने जो डिजाइन वाला पार्ट रेडी किया था उसे लेंगे। ये हमारा डिजाइन वाला पार्ट है, उसे हम इस तरह से खोल लेंगे। इसे हम यहां से सिलाई लगाते हुए पूरे डिजाइन में इस तरह से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए हम इस कॉर्नर से सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हम एक बार फोल्ड करेंगे एंड दोबारा इसको फिर से इस तरह से फोल्ड करेंगे और पूरे में सिलाई लगा लेंगे। ये हमने पूरे में सिलाई लगा ली है। ये देखिए हमने पूरे में सिलाई इस तरह से लगा ली है। इसके बाद हमने जो ये कट लगाया था वहां पर एक प्लेट इधर से डालेंगे इस तरह से और एक प्लेट इधर से डालेंगे इस तरह से। तो कुछ इस तरह से हमारा डिजाइन बनेगा। ये देखिए हमने प्लेट्स लगा लिए हैं, एक हमने बीच में लगाया है और दो हमने साइड में लगाए हैं। इस तरह से एक बीच में और दो प्लेट्स हमारे साइड में लगेंगे। अब हम इसे ब्लाउज पार्ट में जोड़ लेंगे। इस तरह से ये हमारा ब्लाउज का पार्ट है और इसे हम इस तरह से कमर में जोड़ लेंगे। तो हमने इसे बॉटम पार्ट में अटैच कर लिया है और इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा।